अब दोस्तों जब ब्रह्मास मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड हम सब ने इस मूवी को देख लिया है एंड एक सवाल जो सबके मन में है वो है कौन होने वाला है देव, यानी कि हु इज देव इन ब्रह्मास्त्र। और दोस्तों आप लोगों के तरह ही मेरे मन में भी ठीक यही सवाल है कि आखिर कौन होने वाला है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में देव, एंड वो कौन सा बॉलीवुड एक्टर होने वाला है जो देव का कैरेक्टर करेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में कुछ भी डिस्कशंस करने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ अयान मुखर्जी एंड टीम को, एंड अयान मुखर्जी स्पेशली उनको ही बोलना चाहता हूँ कि आपने कितने अच्छे तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया है। हालांकि कुछ फ्लोज हैं मूवी में, लेकिन भाई इतनी बड़ी आप मूवी बना रहे हैं तो एक दो फ्लोज तो चलते हैं भाई। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र मूवी में देव के कैरेक्टर को एलिवेट किया गया है और फिल्म की शुरुआत से फिल्म की एंड तक जो सरप्राइज जो मिस्ट्री बनाकर रखा है देव के कैरेक्टर को, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। एंड जो ऑडियंस थिएटर के बाहर आई है ये मूवी देख के, उनके मन में बस एक ही सवाल है कि पार्ट टू कब आएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्ट टू में देव का कैरेक्टर कौन करेगा। अब दोस्तों देव को लेकर मेरे जहन में कुछ बॉलीवुड एक्टर्स एंड कुछ साउथ एक्टर्स हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड दोस्तों इस लिस्ट में सबसे नंबर वन पे है वो है ऋतिक रोशन। अब दोस्तों ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास मूवी के सेकंड पार्ट में काम करने से तो मना कर दिया है, पहले से ही ये न्यूज़ बाहर आ चुकी है। लेकिन यू नेवर नो, क्रिस एवंस ने भी कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर करने के लिए मना किया था, लेकिन फाइनली उनको यही कैरेक्टर करना पड़ा किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे। अब क्या ऋतिक रोशन भी सेम स्टेप अपनाएंगे, क्या वो एग्री करेंगे और फाइनली हमें देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन एज देव। अब दोस्तों सेकंड नाम जो आता है जहन में वो है रणवीर सिंह। अब दोस्तों फिल्म में रणबीर कपूर के जो माता पिता हैं देव एंड अमृता, अमृता यानी कि दीपिका पादुकोण, जिनकी छोटी सी झलक हमें ब्रह्मास मूवी में देखने को मिली है भाई, वो तो कन्फर्म्ड है। लेकिन जो देव होने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रणवीर सिंह शायद हो सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन बहुत से लोगों को भाई अटपटा लग सकता है, क्योंकि रणवीर सिंह एज रणबीर कपूर के फादर काफ़ी अटपटा सा लगेगा। लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं कि रणवीर सिंह एज एंटी हीरो काफ़ी कमाल किया है उन्होंने, एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में भी देव का कैरेक्टर एक एंटी हीरो कैरेक्टर होने वाला है एंड रणवीर कपूर सच में जान डाल देंगे। अब जो तीसरा नाम आया है वो खुद रणबीर कपूर हैं। जी हाँ दोस्तों, शमशेरा में जैसे हमें डबल रोल देखने को मिला था रणबीर कपूर का, ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में भी हमें देव के कैरेक्टर में रणबीर कपूर ही नज़र आ सकते हैं। एंड अगर ये हुआ तो ब्रह्मास्त्र की हाइप और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा चौथे जो एक्टर्स हैं वो हैं साउथ के एक्टर्स। भाई साउथ में कोई मेगा एक्टर या कोई सुपरस्टार जैसे कि महेश बाबू इसमें काम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों महेश बाबू ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हो जाए किसको पता। लेकिन भाई जो भी एक्टर होना चाहिए वो काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी फेमस होना चाहिए। अब लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनली ये चाह है कि ऋतिक रोशन ही देव का कैरेक्टर करें। अब दोस्तों क्या आप भी यही चाहते हैं कि ऋतिक रोशन पार्ट टू में हमें देखने को मिले एंड ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण माता पिता बनेंगे रणबीर कपूर के। अब दोस्तों आप मेरे ये चार पॉइंट से सहमत हैं या नहीं, या आपके जहन में कोई और एक्टर है, कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल दोस्तों ये थी एक छोटी सी गपशप ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में देव के कैरेक्टर को लेकर। फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।